सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज यहाँ मानविकता दिवस के रूप में हम सब मिलकर जो इकट्ठे हुए हैं और जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी की सिखलाई को हम अपने जीवन में धारण करने के लिए पल पल वही शिक्षाओं को कि हर पल जीवन जिस अनुसार चलना है, वो गाइडलाइंस जो उन्होंने ताउम्र हमको दी हैं उनके ऊपर पक्का होने के लिए हम उनको जो उन्होंने कहा उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए सही मायने में श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ जो आए हैं, तो वो जो भाव है कि जो जो उन्होंने सिखाया वो हम बिल्कुल हूबहू अपने ज़िंदगी में जहाँ लागू तो करें, साथ ही और उसमें इज़ाफ़ा कैसे कर सकें कि किस तरह वो जो टीचिंग्स हैं, जैसे दासी अगर अपने हम उम्रों की बात करे या अपनों से छोटे की एज में बात करे, तो आज जहाँ कितने महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर किए कि बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ उनको रहने का समय लगा और किस तरह उन्होंने वो ज़िंदगी के एपिसोड सुनाए कि उनके साथ कोई इंटरेक्शन, कोई शिक्षा, कोई वन ऑन वन जैसे कहते हैं कि उनसे वो मुलाकात रूप में अपने ज़िक्र किए, पर काफ़ी हम में से ऐसे हैं जिन्होंने उनको कभी उस तरह शरीर रूप में देखा नहीं, तो हम अपना योगदान कैसे दें कि जो उन्होंने उस समय सिखलाई दी है उनके चाहे शरीर रूप में तो दर्शन नहीं कर पाए, नहीं सीख सके, पर किस तरह उनकी शिक्षा को और आगे उनकी लेगेसी को हमने इस मिशन में किस तरह बढ़ाना है, तो वो जिम्मेवारी भी हम सब पर है कि जो हर वचन निकला था उस पर फूल चढ़ाते हुए सच्चे रूप में, कि सिर्फ एक वो नहीं किया कि चलो संगत आ गए और उनको कुछ घंटों के लिए याद किया और बात वहीं ख़त्म, नहीं ऐसा नहीं, अपने हर पल में वो जो जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी सिखा कर गए, वो अभी तो हमको इतना मीडिया का सहारा है कि हमें जहाँ साक्षात महापुरुष भी बताते गए, अभी हमने डॉक्यूमेंट्री रूप भी देखा कि वो चीज़ें हम पुरानी भी देख सक रहे हैं, उससे भी शिक्षा ले सक रहे हैं। जिस तरह आज अगर हम ये ब्लड डोनेशन का रूप भी देख रहे हैं कि उनके किस तरह बलिदान के रूप में और तप त्याग के वजह से, तो वो भी जिस तरह संगत ने अपना जज्बा दिखाया, सेवा दल और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की जो मैनेजमेंट की वजह से आप सब ने इतना जो योगदान दिया, ये क्यों है? ये इसीलिए है कि जो शिक्षा थी, जो हम जिक्र बार बार सुन रहे हैं कि मानवता के लिए हमने जो अपने आप को अर्पण करना है, जो एक जो श्रद्धा रूप में, जो किसी के लिए भी हम मदद रूप में नहीं पर सेवा भाव में, क्योंकि मदद में तो हम सोचेंगे तो स्वार्थ छुपा है, पर सेवा भाव सिर्फ अर्पण का भाव होता है, उसके बदले कुछ मिले ना मिले, वो भाव कि जो रक्त दे रहा है उसको ये नहीं पता कि जो जिसको रक्त रिसीव होगा वो कौन होगा, कहाँ पे होगा, किस जाति का होगा, किस शहर का होगा, किस प्रांत का होगा, क्या खाता होगा, नहीं। ब्लड का तो क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच होता है तो वो रिसीवर उसको उस तरह ले सकता है। तो वही भाव कि जो एकता का भाव हमने इस रूप में भी अर्पण किया कि कोई प्रेजुडिस नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मन में वो भाव नहीं, बस इतना कि अपना हमारा अगर रक्त है वो कहीं ना कहीं किसी के किसी रूप में भी आए और पूरी मानव जाति का इसमें कल्याण कर सकें। और जहां बाबा गुरबचन सिंह जी का नाम आता है, साथ में चाचा प्रताप सिंह जी का भी आज के दिन में वो नाम, इस तरह कि उन्होंने भी जो सेवा भाव जीवन भर रखा कि हर पल एक एक पल में अपना आराम भी नहीं किया, बस ये देखा कि उस समय गुरु को क्या चाहिए, या कुछ कुछ चीज़ें वो इतना आँखों का इशारा पकड़ने वाली बात कि खुद ही अपनी चेतनता से देखना कि इस तरह क्या कर्म किया जाए, कोई चाहे वो फिजिकली खुद करते थे या जिस तरह वो एक सेवा दल का रूप लेकर करते थे, तो वो वाला रूप भी देखा हमने।
कि उनकी शिक्षा किस तरह आज हम जब भी वर्दी डालते हैं सेवा दल की, तो वो जो एक प्राउड फीलिंग होती है कि ये वर्दी ऐसे महान हस्तियों ने, जहाँ बाबा हरदेव सिंह जी ने भी स्वयं डाली, वहाँ चाचा प्रताप सिंह जी और अनेक ऐसे महापुरुषों की पहनी हुई वर्दी, वो हमारे नसीब में आ रही है, तो वो सेवा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी है। साथ ही हम और अगर बाबा गुरबचन सिंह जी की ज़िंदगी में जाएं और देखें कि उन्होंने क्या क्या सीखा था, वो शिक्षा उन्होंने यही सिखाई कि अगर आग में हम और आग जोड़ेंगे तो आग तो प्रफुल्लित होगी और बढ़ेगी, आग को बुझाने के लिए तो सिर्फ पानी का ही एक मात्र साधन है जो उस आग को बुझा लेगा। कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या हमें नफ़रत करनी है या कोई ऐसे काम करने हैं जो सिर्फ हमारे अंदर मन के तो हमें तकलीफ़ देगा ही देगा, पर उसका आउटकम दूसरे के ऊपर भी नुकसानदेह होगा, तो क्या हमें वो करना है या हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को लेके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हमें प्यार वाला, हमें विशालता वाला, हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक वननेस वाला, एक एकदम प्रेम जैसे नम्रता भाव पूरा अपने अंदर धारण करने वाला भाव, वो लेकर ही अपने जीवन में आगे चलना है। क्योंकि जो रोशनी दी गई है, जो हमें ज्ञान रूपी उजाला मिला है, वो सिर्फ हमें अपने तक रखने के लिए नहीं दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि ज्ञान ले लिया और बात ख़त्म, हमें अपने जीवन को भी ज्ञान अनुसार जहाँ चलाना है और कोशिश करके और व्यक्ति जो भी हमारे को किसी तरह भी होए उसके साथ हमें मिलकर उनको भी इस रूप में मिलकर वो रोशनी और देनी है। साथ ही साथ हम अगर ये सोचें कि हम अपना कंट्रीब्यूशन और ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो अनेकों बार आज मंच से भी सुनी और अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया दासी ने, कि जो मैसेज आ रहा था वो उसको हमने अपने ज़िंदगी में उतारना है, वो ही दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, कि हम आगे वैसे ही चल पाएंगे। अगर जो जिक्र थे, चाहे वो सिंप्लिसिटी का जिक्र था या नशे के त्याग का जिक्र था, चाहे वो खुद बाबा जी का भी ये रहा, बाबा गुरुबचन सिंह जी का, कि कर्म करते हुए गृहस्थ में रहते हुए अपनी भक्ति को कायम करना है, किस तरह हमें अपने एक्शंस में, अपनी ज़िंदगी में वो सारी भावनाएं जो सत्संग से ग्रहण करते हैं उसको उतारना है। वो अक्सर ऐसा ही कहते थे कि किस तरह एक एग्जांपल होता था एक स्टूडेंट का, कि कभी भी अगर सरप्राइज टेस्ट होते थे तो वो स्टूडेंट तो हमेशा तैयार रहेगा जो जिसने पूरे साल मेहनत करी है और अपने टीचर का हर लेक्चर सुना है, पर जो हमेशा बंक मारते रहे, छुट्टी मारते रहे, उनको तो सिर्फ कभी ऐसे सडनली एक एग्ज़ाम की बात करें तो उनका वो घबराना जाहिज़ है। तो हमें कैसे स्टूडेंट बनना है वो हम पर ही है, कि अगर कभी ऐसे जीवन में स्थिति आए जिसमें हमारे परीक्षा की घड़ी हो, वो तो हम ऐसे स्टूडेंट होएं जो वो परीक्षा से डरेंगे, या ऐसे स्टूडेंट हों जो हर समय यह कहें कि जो है निरंकार का है, निरंकार से ही शिक्षाएं सीखी हैं और आगे जीवन में बढ़ाएंगे। तो हमें वैसे स्टूडेंट बनना है जो हर समय किसी वक्त भी कोई भी नीड ऑफ द आवर हो उस पर हमें खरा उतरना है, उसमें हमें एक बहुत ही ईमानदारी से बीइंग ट्रू टू आवर सेल्फ हमें उस चीज़ को आगे प्रदर्शित करना है। तो जिस तरह भक्त बहुत ही चेतन होते हैं, वो बिल्कुल भी उस तरह चिंता नहीं करते कि जो है सब निरंकार का है, निरंकार पे समर्पण किया और समर्पित भाव से ही अपने आप को आगे चलाते हैं, ऐसा ही रूप जो हम सबका होना चाहिए। दासी अरदास करती है निरंकार के आगे कि जो जज्बा है हमारा सेवा, सिमरन, सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, वो आगे से आगे कायम रहे। और जिस तरह अभी आपने सबने सुना भी कि दासी की अब नेपाल की ओर
26th ऑनवर्ड से वो टूर रूप की यात्रा शुरू है कि वहाँ के बाद जब दासी लौटेगी तो 10 तारीख 10 मई का हो जाएगा, तो आपके दर्शन फिर ही होंगे। और साथ में जहाँ मई का जो महीने का बात आती है वहाँ बाबा हरदेव सिंह जी को समर्पण दिवस के रूप में हम उस समय भी अपनी श्रद्धांजलि रूप देते हैं। और इस साल मई में साथ ही साथ इस जो संत निरंकारी मिशन है, जो ये हमारी लेगेसी है, उसको 90 साल भी हो जाएंगे। तो इस तरह हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी ऐसे वर्बल नहीं बन के रहना, जो मिशन है, जिस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये लहू की बात जब की है कि इतनी हमारी मिशन की जो आइडियोलॉजी है, जो शिक्षाएं हैं, हमारे खून की तरह हमारे रग रग में दौड़ें, वो हमको अपने अंदर जज्बा लाना है कि अगर सिर्फ हमारा मिशन 90 का उस समय हो जाएगा मई में, तो क्या हम सच में खरे उतर रहे हैं कि हम एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर मिशन बन रहे हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति बनना है जो मिशन के लिए एक गर्व की बात होए हमारे लिए कि हम ऐसे व्यक्ति हैं, ना कि जो शिक्षाएं हैं मिशन की उससे उलट काम करते हुए। तो दासी आपका और समय नहीं लेगी, क्योंकि सुबह से इतनी गर्मी में भी आप सब यहाँ बैठे हैं। तकरीबन 12 बजे से सत्संग का आरंभ हुआ, उससे पहले ब्लड डोनेशन भी जितने किया, और साथ ही तो दासी वो सब महात्माओं से भी उनके जज्बे को कि किस तरह ब्लड भी डोनेट किया, उसके बाद गर्मी में यहाँ संगत भी बैठे, और जिन महात्माओं का किसी कारण ब्लड नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो जो मन में अगर भाव था कि आज डोनेट करना है, पर चाहे वो अंडरवेट थे या जो भी कारण से डॉक्टर्स ने नहीं लिया, उनका भी वो जज्बा, वो सेवा भाव बिल्कुल वैसे ही प्रवान है जो उनके अंदर थी। तो दासी अंत में आप सबसे इजाज़त देगी और यही आपसे अरदास करेगी कि जब दासी टूर पे हो तो भी पीछे सत्संग में अपनी बढ़ चढ़ कर ऐसे ही हाजिरी सिर्फ तन रूप में नहीं, मन रूप से, श्रद्धा रूप से भी करनी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।